को काम दिया जाएगा। मनरेगा, ओडीओपी, पीएम रोजगार योजनाओं सहित कई योजनाओं में कामगारों को काम दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। इत्र की नगरी कन्नौज में प्रवासियों को यहां इत्र की नई इकाइयां स्थापित कर रोजगार देने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत कई बेरोजगार युवाओं को सरकार की रोजगार योजना के तहत सब्सिडी पर लोन दिया जा रहा है। लोन मिलने के बाद इत्र का कारखाना बनवा रहे नए उद्यमियों का कहना है कि इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। लोन अप्लाई किया था ओडीएफ में, वो मेरा पास हो गया था 18 लाख का, तो उसके तहत हमने लोन लिया। फिर अभी हमने अपना एक सेटअप बनाया है अपना इत्र परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके तहत हमको भी रोजगार मिला है और अभी हम जैसे मेरा रेडी हो जाएगा उसके तहत और भी कई लोगों को रोजगार मिलेगा। ओडीओपी की एक स्कीम चल रही है भारत सरकार के द्वारा, जो मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही है, इससे हमने आवेदन किया और उससे हमारा पास हो गया। और पास होने के बाद हमने ये अपना प्लांट लगाया, उससे हमारा जो हम बेरोजगार थे उससे हमें रोजगारी प्राप्त हुई और MSME के द्वारा बढ़िया तरीके से हमें सपोर्ट मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापार लगाने वालों को सब्सिडी पर लोन देने की कई योजनाएं MSME के जरिए शुरू की है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक का कहना है कि लोन के लिए कई आवेदन आए हैं, कुछ की जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें लोन भी दिया जा चुका है। ये पिछले वित्तीय वर्ष में 32 लोगों को लाभ मिला था, 32 का ही टारगेट था, 19-20 में पूरा हमारा हो गया था और इस बार भी जो है 32 का ही टारगेट है। तो इसमें 144 हमारे आवेदन पत्र आ चुके हैं, ऑनलाइन है, साथ में से 6 लोगों को लोन मिल चुका है। इसी वित्तीय वर्ष में 6 लोग जो है लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें जो है मिनिमम 1 लाख भी हो सकता है, मैक्सिमम 25 लाख। प्रवासी कामगारों को दिए जाने वाले रोजगार की समीक्षा खुद जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र लगातार कर रहे हैं। तात्कालिक तौर पर इन लोगों को रोजगार देने के लिए हमारी जो सबसे बड़ी स्कीम नरेगा थी, नरेगा के अंतर्गत इन लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन का कार्य प्रारंभ किया गया है। और जहां सामान्य तौर पर इस समय जिलों में 4-5 हज़ार 10 हज़ार तक अधिकतम रोजगार मिलता था, आज की डेट में वो रोजगार बढ़ करके कम से कम 47-48 हज़ार लोगों को नरेगा से के रोजगार से जोड़ा गया है। अच्छा लाभ मिल रहा है, सरकार की बहुत अच्छी ये काम है, अच्छा कर दिया हमारे लोगों के लिए। हम जो है बहुत अच्छी जगह लग गए हैं, नरेगा करने लगे हैं, इसमें जो है हमारा प्रॉफिट हो रहा है और हम जो है मजदूरी भूखे मर रहे थे, अब खेती में कुछ हो रहा नहीं, तो इसमें जो है इसमें काम हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। सरकार ने कोरोना काल में शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों के हजारों प्रवासी मजदूरों को काम देना शुरू कर दिया है। मनरेगा प्रवासी कामगारों की बेरोजगारी दूर करने का एक मजबूत जरिया बनाकर सामने आई है। जो लोग मजदूरी करने में किसी कारण असमर्थ है, सरकार उनकी कार्यकुशलता के आधार पर रोजगार मुहैया करा रही है। कई कामगारों को उनकी कैटेगरी के मुताबिक काम भी दिया जा चुका है। के न्यूज के लिए कन्नौज से विनीत कुमार की रिपोर्ट। मिर्जापुर की अदलहाट थाना इलाके के शेरपुर